अगर मैं आपको भारत सरकार की दो तीन जिम्मेवारी आपको बताऊं, 99 में अटल जी देश में पहली बार ट्राइबल अफेयर्स विभाग बनाए। अनेक राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही थी, जब माननीय मोदी जी गुजरात की लंबे समय की मुख्यमंत्री भी रहे, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इस इलाका में जब हम लोगों की राज्य में शासन था तब भी हमने प्राथमिकता दी थी। 2014-15 तक अगर मैं एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स की एक फिनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने रखूं, तो ये लगभग 19,437 करोड़ तक पहुंची थी। आज अगर 14-15 से 22-23 फाइनेंशियल ईयर में हम देखें, ये एलोकेशन 91,000 करोड़ तक पहुंची है। कहां 19,000 करोड़ था, अभी पिछले लगभग 9 सालों में 91,000 करोड़ तक एक फाइनेंशियल एलोकेशन के पहला स्टेटमेंट में आपके सामने रख रहा हूं। ये एक मूलभूत पैराडाइम शिफ्ट, इसलिए हमने सबका विकास कहा। विकास तब होती है जब जिम्मेवारी ली जाती है। इतना केवल नहीं, सेंट्रल स्कीम्स की मैं अगर एक उदाहरण आपके सामने दूं, आदिवासी समाज में, एसटी समाज में शिक्षा एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड पॉइंट होती है, उसकी कई उदाहरण है। आज देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति जी, जो आजादी के 75 साल के अवसर पे हम सभी की, देश की एक उपलब्धि में मानता हूं, सुदूर ओडिशा के एक छोटे से गांव ऊपर बेड़ा गांव से आके द्रौपदी मुर्मू जी शिक्षा के कारण, भारत की प्रजातंत्र के कारण, भारत की महिला सशक्तिकरण की उदाहरण के नाते और मोदी जी की योजना के कारण आज देश की राष्ट्रपति पद तक पहुंची है। उसकी मूल में, जड़ में जाते हैं तो शिक्षा आती है।